तो देखिए गणपत को आज बॉक्स ऑफिस पे 4 तड़े हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है फिल्म गणपत ने ऑडियंस को। मतलब आप देखिए फैंस बेचारे लड़ते झगड़ते रहते हैं कि नहीं हमारा स्टार आ रहा है, कम बैक करेगा इस फिल्म के ज़रिए, ये होगा वो होगा, और बदले में क्या मिलता है? 2.5 करोड़ का कलेक्शन डे वन का, 200 करोड़ की फिल्म है और 2.5 करोड़ फिल्म का कलेक्शन। और उसके अलावा देखिए सेकेंड डे भी मतलब फिल्मों के कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलती है, सेकेंड डे ग्रोथ होती है, थर्ड डे संडे को भैया ग्रोथ होती है। चलो ठीक है, मिशन रानीगंज को ही आप देखो, फिल्म को देखिए भले उसका रिस्पॉन्स काफ़ी, उसका भी कलेक्शन पहले दिन रहा था 2 करोड़ 80 लाख ऐसा कुछ, लेकिन सेकंड डे फिल्म के कलेक्शन में भले उसका भी कलेक्शन टोटल कम है लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ तो देखने को मिली। लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो गणपत के मामले में फिल्म शुरू होते ही खत्म हो चुकी है। फिल्म का कलेक्शन मतलब देखिए क्या ही कलेक्शन आ रहा है, 200 करोड़ रुपए की ये फिल्म है और फिल्म का अभी तक टोटल कलेक्शन ही 6-7 करोड़ रुपए हुआ है। और ये फिल्म अब क्या ही कर लेगी आगे, अब कुछ बचा ही नहीं है इस फिल्म के लिए। कल दशहरा है, दशहरा पर जितनी कमाई कर सकती है कर ले, उसके बाद कुछ नहीं। और ये कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ की ही गलतियां हैं जिनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस फिल्म के जरिए। और अभी भी टाइगर श्रॉफ नहीं रुके तो पता नहीं भगवान ही जाने आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि मतलब देखिए टाइगर श्रॉफ जबरदस्त है, देखिए डांस वांस में उनका मुकाबला नहीं, एक्शन में उनका मुकाबला नहीं, लेकिन आप देखिए तो हर फिल्म में वही उसी तरीके के स्टंट होगा। मतलब भैया स्टंटमैन थोड़ी हो आप हीरो हो, एक्टर हो भैया, एक्टिंग करो जबरदस्त, अलग अलग जॉनर की फिल्में करो। मतलब लोग डरने लगे कि ऐसा, मतलब अगली फिल्म का आप किसी को बोलोगे कि टाइगर श्रॉफ की यार वाली फिल्म आ रही, तो इंसान के दिमाग में अपने आप बस वही उछल कूद याद आएगी उसको कि वो वही देखने को हमें मिलने वाला है, क्योंकि आप देखिए बैक टू बैक वही, और वो अहमद खान के साथ तो भैया हाथ जोड़ लिए फिल्म में बनाओ मत आप। लेकिन नहीं, बागी 4 आएगी, बागी 4 का भी देखिए अनाउंसमेंट हो चुका है, रैम्बो, मतलब अभी भी जो उनका लाइनअप भी है उसमें भी आप देखें तो सारी एक्शन फिल्में ही, सब में वही चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली। टाइगर श्रॉफ की खतरनाक बॉडी, शर्टलेस उनका सीन देखने को मिलेगा, जबरदस्त एक्शन वगैरह करेंगे शर्टलेस होकर। तो कहीं ना कहीं देखिए ज़्यादा हो चुका है, इसे बहुत रिपीटेटिव सा हो चुका है कई सारी फिल्म, मतलब बैक टू बैक टाइगर श्रॉफ की हर फिल्म में हम ये देख रहे हैं। सलमान भाई देखिए शर्टलेस होते थे तो भैया थिएटर में आग लग जाती थी, लोग तरसते भैया हाँ सलमान भाई शर्ट उतारेंगे, शोर शराबा होने लगता, तो ऐसा तरसाओ फैंस को। लेकिन आप हर फिल्म में ही वही 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 चीज़ें कर करके मतलब फैंस भी इरिटेट होने लगे कि क्या कर रहे हो फैंस तक। आप देखेंगे तो गणपत रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लेटर लिख रहे हैं टाइगर श्रॉफ को, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप इस तरीके की फिल्में मत करो, कुछ भैया कुछ और तरह की फिल्में ट्राई करो, कुछ और जो है ट्राई करो, क्योंकि वही वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं अब, मतलब हद से ज़्यादा हो गई। एक वक्त तक कुछ चीज़ें अच्छी लगती लेकिन यहाँ पर अब ज़्यादा हो रही है, वही एक्शन उसी तरीके का, वो उछल कूद वही उनका डांस, तो मतलब थोड़ा सा एक इंसान त्रस्त हो गया देख देख के कि भाई कितनी बार वही चीज़ देखे। मतलब टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म मानी हो वही अब वो देखिए बड़ी मियाँ छोटी मियाँ, फिर से वही उसमें भी एक्शन वगैरह, वो क्या देखने को मिलता है भगवान ही जाने। और पूजा एंटरटेनमेंट की फिल्म है वो, आप देखेंगे तो कहाँ लग रहा था कि जबरदस्त भैया कमबैक करेंगे इस साल टाइगर श्रॉफ इस फिल्म के जरिए, अक्षय कुमार की भी वापसी होगी, ओ माय गॉड 2 अच्छी खासी चल गई थी, लेकिन उसके बाद मिशन रानीगंज फ्लॉप, पूजा एंटरटेनमेंट की फिल्म प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं किया, उसके बाद टाइगर श्रॉफ की फिल्म इसका भी आप देखें तो प्रमोशन नहीं किया, एक सॉन्ग रिलीज़ किया उसके बाद पूरी ऑडियो वर्जन आउट कर दिए, फिर अब रिलीज़ कर रहे हैं। भैया आप क्या कर रहे हो, पहले करने थे ना 2 महीने पहले, तो कम से कम एटलीस्ट सॉन्ग की वजह से थोड़ी हाइप होती, लोग जाते फिल्म को देखने। लेकिन ये एक तो प्रोडक्शन हाउस इतना घटिया कि भैया प्रमोशन ही नहीं करता, ऊपर से फिर वो कहानी वगैरह वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गणपत ने लेकिन ऑडियंस को डिसअपॉइंट किया है। कलेक्शन आप देखिए फिल्म के क्या रहे, पहले दिन 2 करोड़ 50 लाख, दूसरे दिन 2 करोड़ 25 लाख, तीसरे दिन भी 2 करोड़ 25 लाख, और आज भी फिल्म कहीं ना कहीं 1 करोड़ 75 लाख के आसपास कलेक्शन कर रही है। और कल देखिए दशहरा है तो कल भी यही समझ लो आप 1 करोड़ 75 लाख, 2 करोड़ इससे ऊपर कलेक्शन नहीं जाना, और उसके बाद परसों से फिल्म खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं अब टाइगर श्रॉफ को सोचना चाहिए, थोड़ी अलग फिल्में ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए उनकी सारी फिल्मों में हमें वही सेम लुक देखने को मिल रहा है, वही उनकी बॉडी देखने को मिलती है, उसी तरीके की उछल कूद देखने को मिल रही है, वही एक्शन देखने को मिल रहा है। तो कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, कुछ थ्रिलर ट्राई करना चाहिए, कुछ फैमिली ड्रामा सोशल ड्रामा, कुछ तो अलग कर रहे हैं भैया, कुछ तो अलग ट्राई करें, कुछ कॉमेडी वगैरह फिल्में कर ले, कुछ तो करें। खैर देखते भैया, वो टाइगर श्रॉफ है वो उनकी मर्जी है, हम आप कौन होते हैं कुछ बोलने वाले, देखते हैं क्या होता है। लेकिन गणपत का तो खेल खत्म हो चुका है, उम्मीद करेंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ से अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, यानी कि दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दोनों ही बड़े मियाँ छोटे मियाँ से वापसी करें बॉक्स ऑफिस पे और धमाल मचाए।